आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो, चलिए ले चलती हूँ आपको कुछ खास खबरों की ओर। वर्तमान समय में पूरा देश किसान आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। इस आंदोलन की अगुवाही हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जो नया कृषि कानून भारत सरकार लाई है उसे पूर्णतः रद्द किया जाए और किसानों से बातचीत करके नया कानून लाया जाए। किसानों की इस मांग के कारण से भारत सरकार कश्मकश की स्थिति में है। वह किसानों को भी नाराज नहीं करना चाहती है और इस बिल को भी रद्द नहीं करना चाहती है। भारत सरकार ने किसानों कृषि बिल को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वह इस कानून में कुछ संशोधन तैयार करेगी। किसान ने सरकार द्वारा सुझाए गए संसाधनों को पूर्णता नकारते हुए इस कानून को रद्द करने की मांग की है। किसानों को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर मंत्री सामने आए। अनेक वार्ताओं के बाद भी बात नहीं बन पाई, तब गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत करके उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की, परंतु किसान इस बिल को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल के MSP सरकार लिखित रूप से गारंटी दे। अगर कोई भी कंपनी मूल्य से कम दाम पर फसल खरीदती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए और सजा दी जाए, परंतु सरकार MSP गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने अमित शाह से वार्ता के बाद यह साफ कर दिया है कि जब तक नया कृषि कानून रद्द नहीं होता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। अब किसान संगठन इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के मूड में है और 14 दिसंबर को किसान पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और मंत्रियों के आवासों के सामने किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली से सटे हुए हाईवे भी जाम किए जाएंगे। किसानों ने एक और फैसला भी लिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ साथ अदानी और अंबानी की कंपनियां रिलायंस आदि का भी विरोध करेंगे और इनके सामानों का बहिष्कार करेंगे। किसान रिलायंस मॉल के सामने भी अपना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार से पूरे देश में किसान विरोध का एक माहौल तैयार हो गया है। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि किसानों सरकारों की लड़ाई में अभी क्या क्या देखने को मिलेगा। पर यह बात भी तय है कि किसी भी पार्टी को सत्ता बनाने में रहने के लिए किसानों का साथ बहुत जरूरी होता है और किसान जिससे नाराज हो जाते हैं वह पार्टी निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल हो जाती है। सभी संगठनों में जो सदस्य आए उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो पहली बात तो ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकॉट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए क्या होगा जिलेवार प्लीज। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान, उसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख
से पहले पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको, फाइनल है। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजे हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है, और इसी पर हमारे हम विनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है, और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है, एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह नष्ट हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर, प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोलमोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्योंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए कि आप इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध, और हमारे बुंदेलखंड न्यूज 24 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।